दोस्तों नमस्कार, गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी। ये देखेंगे आप, यहाँ से पूरी दुनिया का नजारा आपको देखने को मिल रहा है। पूरा वियतनाम है यहाँ। ये दानांग सिटी को इसने पूरा एक्सप्लोर करने का सबसे बेस्ट जगह मुझे नजर आ रहा है। और लगातार यहाँ पर 17 मिनट से सवारी चल रही है, 17 मिनट एंड मोर। अभी हम लोग अभी भी केबल कार पर हैं और बहुत ही शानदार, मैं बता नहीं सकता यहाँ की एक्सप्लोरिंग करने में मुझे क्या हूँ आपको। आप ऐसे समझिए कि आप जो लोग गबाला गए, जो लोग सिंगापुर मलेशिया गए, वहाँ की जो केबल कार थी उन सभी को जोड़ दीजिए तो भी कम पड़ेगा। ऐसा है हमारा दानांग, वियतनाम देश का दानांग शहर, जहाँ बाना हिल्स, बहुत लंबी केबल कार की सवारी, मोर देन 19 मिनट्स हो चुके हैं और हम लोग चल रहे हैं। अभी भी हमारी कार चल रही है और हम लोग कहाँ पर हैं वो आप ऐसे देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से पूरी दुनिया और खाई, जंगल, पहाड़, पूरी दुनिया नजर आ रही है। आपको मैं लेके चल रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियों के उस पार। कहते हैं ना, कई सालों पहले, वर्षों पहले एक गाना था, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। मैं तो कहता हूँ चांद के नहीं, इस दानांग के पार चलिए, बाना हिल्स के पार चलिए, आपको पूरी दुनिया दिखाई देगी। आप एक्सप्लोर करने आ रहे हैं, आप पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया को बताने आ रहे हैं कि रूबी कम्युनिटी ने दानांग में आपको बाना हिल्स घूमने का मौका दिया है। और ऐसी कम्युनिटी जो आपके लिए हमेशा सोचती है, सोचती रहेगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था, यहाँ थोड़ी ठंड रहती है और हल्की फुल्की बारिश भी, और इसी बारिश का मैं आनंद ले रहा हूँ आप लोगों के साथ। आप देखेंगे मैं जहाँ हूँ, यहाँ चारों तरफ क्लाउडी है, मैं खुद भी नहीं देख पा रहा हूँ कि इसमें किस तरफ में कौन सा सीन है। यानी ये बादल है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊँ, यहाँ ये बादल है, पूरी तरह से बादल में छाया हुआ है। और ये सनवर्ल्ड, जिस तरह से आप घूमने जाते हैं सिंगापुर यूनिवर्सल, वैसे ही ये एक पहाड़ों के ऊपर पर बना हुआ पार्क, जहां हर चीज़ एक्सप्लोर किया गया है, घूमने के लिए दिया गया है। ऐसे जगहों पर आपके साथ लगातार गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी, फल के दुकानें हैं और एकदम ताजे ताजे फल इतनी ऊंचाई पर आपको मिल रहे हैं, ये आपने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ आइसक्रीम भी मिलते हैं, नारियल भी है और इंडियन फल भी हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ के लोकल फ्रूट्स भी मिल रहे हैं। तो ऐसे फ्रूट्स एंड नट्स के लिए आप लोग तैयार रहिए, गुड आरबीसी।